एक अच्छी ताली बजाकर जी ओके, मेरे को लगता है कि ओके किसी का इनका ज़्यादा सर जो है वो ज़्यादा बीच में आ रहा है या पता नहीं किसका आ रहा है, इधर काफ़ी आ रहा है। एनीवे एक काम करना है, अगर आप लोग अपनी जगह पे, आप लोग नहीं हाँ, आप लोग जो अपनी जगह पे खास करके यहाँ पे जो बैठे हैं ऐसे उठ जाइए और कैमरे की तरफ ऐसा कर दीजिए जैसे आपका कल वाला जोश था, राइट। एक साथ जी सब उठिए 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 ऐसे, बस 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 बस, क्या बात है क्या बात है, बैठिए आराम से। तो इस वक्त में हमारे बीच में बैच नंबर 9 आ चुका है, अगर आपको देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए आप लोग हैं ऐसा, या परफेक्ट। तो इस वक्त में बैच नंबर 9 हमारे बीच में है और हम यहाँ पे मौजूद हैं ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं उनको एजुकेट कर सकें, उनको सिखा सकें और परमेश्वर में उनको हम मजबूत कर सकें। यूट्यूब किसका ऑन है? हाँ, जब ये देखते रहे कि कितने लोग जुड़ गए, लाइव कितने जुड़ते दिखता है ना, ऐसे आप लोग देखते रहे। ओके, ना कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, फिर उसके बाद में हम जो हैं आज की जो बातें हैं वो आपके बीच में रखना शुरू करेंगे। और जो यहाँ पर डेलीगेट्स बैठे हैं इनकी जो गवाहियाँ हैं, टेस्टिमनीज, उसको हम सुनेंगे और कैसे परमेश्वर ने अपना अद्भुत काम इनके जीवन में किया है हम उस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हम सभी इस वक्त में जो हैं जो अनाउंसमेंट्स हैं उसको सुनेंगे। इसकी आवाज़ आ रही, तो मुझे लगा इसकी आवाज़ आ रही है, जब इसको बंद किया तो आवाज़ बंद हो गया, नहीं या कुछ लोगों को बंद करना ही बेहतर होता है। बीच बीच में कुछ कुछ एग्जांपल्स आते रहते हैं, उसको एंजॉय किया करिए। ओके, ना सबसे पहले मैं समझता हूँ कि आपके बीच में मैं अनाउंसमेंट कर दूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मसीह मंथन बैठक सिर्फ भारत में नहीं लेकिन भारत के बाहर भी खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसके चलते हमने यहाँ पर लिखा है कि MMB हिंदी ऑनलाइन चर्च, जो कि एवरी संडे होता है, तो कभी शाम को होता है तो कभी सुबह होता है, वो फिर हमें देखना पड़ता है कि हम कैसे उसको कर पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितने लोग अभी जुड़ चुके हैं और जितने जुड़ चुके हैं, अच्छा एडमिन कौन कौन है एडमिन, क्योंकि इसको ग्रुप में शेयर किया, हाँ तो कौन है एडमिन यहाँ पे, कौन है एडमिन? हाँ उसको राजकिशोर के पास नंबर किसका है, राजकिशोर का नंबर है आपके पास, हाँ उसको कॉल करिए और बोलो कि उसको लिंक शेयर करें, ठीक है, हो गया, थैंक यू। आज की जो लिंक है वो शेयर करें राजकिशोर, अगर आप इस वक्त में लाइव हैं तो लिंक शेयर कर दीजिए, उनको बोलना फेसबुक और यूट्यूब दोनों का करने के लिए। अपना सीएच भारा जी नहीं सुन रहे हो जी, फेसबुक और यूट्यूब दोनों करने बोलना। ओके, तो इस वक्त में एवरी संडे हम आते हैं, या तो कभी सुबह आते हैं या तो कभी हम रात को 8 बजे आते हैं, शाम रात जो भी हम आते हैं, और जिसके चलते आपके बीच में हम जो हैं सिर्फ और सिर्फ खरी शिक्षा, जैसे लिखा है साउंड डॉक्ट्रिन चर्च, यहाँ किसी प्रकार का तेल बेचना, पानी बेचना, लोगों के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना और कहाँ गया, हाँ नहीं पैसे कमाते पैसे जैसे कि बाकी लोग करते हैं। आज एक गवाही आप सुनेंगे और वो है बजिंदर सिंह की, पंजाब वाला है और उनके यहाँ पे कितने साल काम किया आपने, 8 महीने आपने इन्होंने वहाँ पे काम किया है। बजिंदर सिंह क्या है क्या नहीं है आप इनके मुँह से भी सुनेंगे और साथ ही साथ कैसे वहाँ से वो जो हैं खरी शिक्षा को जान पाए हैं और वो आपके बीच में जो है इस वक्त में गवाही भी देंगे थोड़ी देर बाद में। तो जिसके चलते देख लीजिए, तो जिसके चलते मैं समझता हूँ कि हम सभी को, और कौन कौन है, अच्छा अगर कोई भी ओनेसिमस का व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है आज की लिंक उसको शेयर करेंगे। ओके, ना उसके बाद में मैं समझता हूँ कि आपके बीच में मैं रखूँ, मुझे बेहद खुशी है, वो देना बैट, देना बैट, कहाँ पर है बैट, बैट मस्कियो बैट, मस्कीटो बैट, अभी आप लाए थे ना अंदर, कहाँ गया मस्कीटो बैट, कहाँ है दीजिए, आपको दिख रहा है, दिख रहा है, कैसा शांत से बैठा है, ले लीजिए। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ मच्छर हैं और उनको मारना जरूरी है, वैसे ही मसीह समाज में भी कुछ मच्छर हैं,
हम सबका इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं चल रहा है तो उसको बंद किया, मच्छर बैठा तो उसको भी यूज करेंगे, अब यहाँ पे कुछ और आ गया तो उसको भी यूज करेंगे, ताकि आपको एग्जांपल दे सके। तो मुझे बेहद खुशी है कि हर 15 20 25 दिन में 1,000 यूट्यूब पर और 1,000 फेसबुक पर जो है लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद कि बहुत विरोध है, उसके बावजूद भी कि मुझे कहते हैं कि आप गलत सिखाते हैं, उसके बावजूद परमेश्वर अपने लोगों को चुन चुन कर खरी शिक्षा की कलीसिया में जोड़ रहा है। बैच नंबर 8 होता तो सबका नाश्ता हो गया है, सबकी सुबह हो गई है, कौन सी दुनिया में थे, इतना अच्छा पंच लाइन मारे हैं उसके बावजूद। ओके, तो मुझे बेहद खुशी, देखते हैं और एक मौका देते हैं आपको, मुझे बेहद खुशी है कि हर 15 20 25 दिन में 1,000 फेसबुक के ऊपर और 1,000 यूट्यूब के ऊपर लोग जुड़ते जा रहे हैं, इसके बावजूद कि विरोध बहुत है और लोग कहते हैं कि आप गलत सिखा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी सही कलीसिया में लोगों को जोड़ते जा रहा है। बस 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 बस, अब इसको कहते हैं कि बीच बीच में लोगों को जगाना पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि जैसे ये जाग रहे हैं वैसे बाकी जो मसीह की दया है वो भी जागती रहेगी। अब पता चला आपको, ओके, तो अब देखते रहिए कहां मौका मिलता है, मार दीजिए चौका। ओके, तो 2,61,000 के जो है यूट्यूब पे हो चुके हैं और 1,22,000 यानी कि 22,000 फेसबुक पे जो है अब तक लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, नहीं उठाया फोन, ओके, तो मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे पेज को अगर फॉलो नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि फॉलो करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम चाहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ना। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आपको बताता चलूं ये वाली लाइन कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, और इसकी वजह यह है कि आपको मेरा जो YouTube चैनल है उसके ऊपर डॉलर का जो साइन होता है हार्ट बना हुआ, ऐसा किसी प्रकार का कोई भी सिंबल या चिन्ह आपको YouTube पे नहीं मिलेगा। मुझे Facebook पर बहुत सारे मैसेज भेजते रहते हैं कि आपके पेज पर आपके जो पोस्ट है उसके ऊपर आप पैसे कमा सकते हैं, इसको कहते हैं मोनेटाइज कराना। तो मैंने किसी प्रकार का कोई भी ऑनलाइन मोनेटाइज नहीं कराया, और उसकी वजह यह है कि यीशु ने कहा मुफ्त में मिला है, आपके जो उपमा है उसमें दम नहीं था शायद, तो जो मुफ्त में मिला है ये दूसरी बार है कि आप लोगों की जो है तैयारी नहीं थी, तो उसको ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि इस वक्त में हम लोग लाइव हैं, राइट। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि इंस्टाग्राम पे भी काफी लोग जो हैं लोग हमें फॉलो कर रहे हैं ना। एक ग्रुप हमने बनाया है जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं, और वो ग्रुप का नाम है ओनेसिमस। और ओनेसिमस पौलुस का एक अच्छा लड़का था जो कि अन्य जाति था, किसी और के पास में था, वो एक नौकर था, स्लेव जिसको कहते गुलाम था, बट जब उसको पौलुस उसके हाथ लग गया या वो पौलुस के हाथ लग गया, उसको गॉस्पल दिया गया और बाद में उसने अपना जीवन सुधारा, तब जाकर पौलुस कहता है कि फिलेमन को कि ये लड़का तेरे और मेरे बड़े दोनों का काम का है। तब जाकर मैंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है कि ऐसे लड़के या लड़की, दास या दासी हमें चाहिए जो परमेश्वर के राज्य के लिए उन्हें सीमस की तरह काम करने वाले बने। और अगर कोई देख रहा है, आप भारत से हो या भारत के बाहर से हो, आप कहीं से भी हो, मैं चाहता हूं कि आप में से अगर किसी ने भी अगर MMB का ओनेसिमस ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जो यहां बैठे आपको भी कह रहा हूं, तो आप लोग जल्दी से उसको ज्वाइन करें। मकसद एक ही है, सही शिक्षा से शिक्षित करना, शिक्षा को फैलाना और खर्च खुद को कर देना, इसका यह मतलब शिक्षा फैलाना और खर्च है। अगर डैनियल भाई कौन सा नंबर से कॉल करना है, आपको इस नंबर पे कॉल करना है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, जी हाँ डॉट आपको दिख रहा है, केवल उनको जोड़ा जा रहा है जो ग्रुप में एक्टिव रहते हैं। एक्टिव से मेरा मतलब है जब हम कोई पोस्ट डालते हैं, आप लोग भी ध्यान रखा करो, जब हम कोई पोस्ट डालते हैं तो उसको आपको या तो ऐसा थम का सिंबल भेजना है, इसका मतलब होता है कि आपने देखा है और आपने अपनी प्रतिक्रिया उसके ऊपर दी है। कितने YouTube पे 96, तो जितने YouTube पे अभी देख रहे हैं आपका भी स्वागत है, और जितने Facebook पे देख रहे हैं आपका भी हम वेलकम करते हैं। बस इतना है कि इसको खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें, शेयर करें, आप लोग जो है ऐसा करना जारी रखें ना। उसके बाद पहला पोस्टर देख लीजिएगा, और आशा करता हूं कि यह पोस्टर आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। ये लाइट बंद कर सकते हो प्लीज,
हाँ हाँ अभी ठीक है। अच्छा कुछ देर के लिए उसको बंद कर सकते हो, उसी के पास में है लगा हुआ। नहीं कितना खास कुछ वापस ऑन करना, कुछ खास फर्क। अच्छा ठीक है चलिए कोई नहीं, देखते क्या होता है। ओके मसीह मंथन बैठक का दर्शन है कि हम पूरे भारत में खरी शिक्षाओं को फैलाएं। अगर आप देख सकते हैं कि पूरे भारत के ऊपर हमने MMB का जो लोगो है उसको लगा दिया है, और इसका मकसद यह है कि जहां कहीं भारत के 29 राज्य हैं, वो चाहे बिहार से हो, क्योंकि कुछ लोग पिछले हफ्ते जो है बिहार से आए थे, तो टोटल बिहार, अगर आप लोग मसीह लोग हैं तो सिर्फ खरी शिक्षा को फॉलो करें। आपको याद होगा जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने कहा था कि एक वक्त वो था जब हम संसार में भटके थे, अब वो वक्त यहाँ भी आ चुका है कि अब हम मसीह में आकर भी शिक्षाओं के क्षेत्र में भटके हैं। तो तब प्रभु ने संसार से बाहर निकाला, बोल दीजिए, और अब हमें खरी शिक्षा में लाकर गलत शिक्षाओं से बाहर निकाल रहा है। तो परमेश्वर ने दोनों जगहों से आपको बाहर निकालना जरूरी है, एक संसार से और एक गलत शिक्षाओं से। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, आपके पास आप पास्टर हैं या फिर आप लीडर हैं, बट आपके पास में चर्च नहीं है, और वो भी सही शिक्षा वाले, सही शिक्षा वाले, एनर्जी हाई रखिए, ठीक है ना, सही शिक्षा वाले, तो जिसके चलते मैं समझता अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं MMB ऑफिस में, आपको हम मौका देंगे ताकि हम वहां पर काम कर सके। ना जितने जितने MMB के सदस्य हैं और जो मुझे सुनते हैं कि डैनियल भाई आपका जो काम है, टोटल 3 पावर की जरूरत होती है, एक है गॉड पावर और दूसरा है मैन पावर और तीसरा है मनी पावर। अगर आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा, मुझे तीनों चाहिए। अगर हम मसीह मंथन बैठक को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक व्यक्ति से नहीं होगा, तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि हमें तीनों चाहिए। गॉड पावर हमारे पास में है, मैन पावर भी है, लेकिन जब बात आती है मनी की वहां दिक्कत होता है। तो जितने इस वक्त में देख रहे हैं, एवन जो यहां बैठे, आपका आमदनी, आप जो भी कमाते हैं, 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 1000, जो भी आपकी ताकत है, परमेश्वर के राज्य के लिए आप लोग जरूर दीजिएगा। तो जिसके चलते इसी नंबर पे आपको कॉल करना है और यहीं से आपको डिटेल मिलेगा कि आपके पैसे कहां डालना है, और वो पैसे मुझ तक पहुंचते हैं और उसको हम परमेश्वर के राज्य को, खास करके खरी शिक्षा में फैलाने का काम करते हैं। ख्याल रखिए, तो लोगों को बचाना, चेला बनाना और उनको शिक्षित करना, ये काम किया जाता है मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा, जितने लोग जुड़ चुके हैं बहुत ध्यान से सुनेगा। मैं चाहता हूं कि इवन आप लोग भी, मैं चाहता हूं कि जिस जिसके पास में व्हाट्सएप ऐप है या व्हाट्सएप का एप्लीकेशन है, आपको उसको आप यूज करते हैं, मैं जानता हूं फेसबुक यूट्यूब वालों ध्यान से सुनिएगा, अगर आप उसको यूज करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक ग्रुप बनाएं। और मैं समझता हूं कि ग्रुप बनाना सबको आता है, कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, ठीक है, या नहीं आता है तो किसी से सीखिएगा। और ग्रुप बनाने के बाद उसमें मसीह लोगों को, आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी मसीह आते हैं, वो चाहे किसी भी चर्च के क्यों ना, उनको इनवाइट करिए और उनको कहिए, जैसे कि पौलुस ने राह चलते किसी मसीहों को देखा और उसको पूछा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो उन्होंने कहा, हमने तो उसकी चर्चा तक नहीं सुने। तो वो व्यक्ति जाता है, उसको ठीक से शिक्षा देता है और उसका बपतिस्मा ठीक कराता है और उसको पवित्र आत्मा मिलता है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में ऐसे 12 लोग जो पौलुस को मिले थे बहुत घूम रहे हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उनके 12ों के बीच में पौलुस जैसा कोई जाना चाहिए। वैसे ही जी, आपको फिर मौका था, ये तीसरी बार है, ओके, ये तीसरी बार है, बाकी आप देखिए कैसा लगता है। वैसे ही एक और व्यक्ति था जो खोजा था और वो रथ पर बैठा यशायाह की किताब पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ तो रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था। वैसे ही बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, महाराष्ट्र में है ऐसे लोग, पंजाब में तो बहुत ऐसे लोग, और आपके बाकी 29 राज्य में भारत के बाहर बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। लेकिन कोई ऐसा चाहिए जो उनके बीच में फिलिप बन के जाए या फिलिपूस बन के जाए, जो कि हिंदी में जब बजाना है तब बजाना है, हर बार नहीं बजाना है, जहां मौका मिलता है वहां नहीं बजाते हो, और वैसे ही दिक्कत है बाहर भी, ओके। तो फिलिपूस जो है, ऐसा कोई चाहिए जो खोजा को
उनको सिखा सके। और हम सब जानते हैं कि जब सही शिक्षा आती है तो दिमाग की ढक्कन खुलती है। तो मैं समझता हूं कि मसीह की दया में हमको पौलुस जैसे लोग चाहिए जो बारा को सुधार सके, हमको फिलिप जैसे लोग चाहिए जो खोजा को सुधार सके। बस अब इसको कहते हैं कि ये टाइमिंग सही था। आगे बढ़े तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप में से हर किसी को ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, मसीहों को इनवाइट करना है, वो कोई भी ग्रुप का क्यों ना हो, और उनको सिखाइए, आप खुद सिखाइए। डैनियल भाई मैं उतना सक्षम नहीं हूं कि मैं सिखा सकूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरी यूट्यूब से वीडियो उठाओ या फेसबुक पे वीडियो उठाओ, उसकी लिंक कॉपी करो, पेस्ट कर दो, फिनिश, और उनको कहो कि आप ये देखे। तो आशा करता हूं कि यहां जितने बैठे आपने भी ग्रुप बना लिया है। अगर नहीं बनाया है तो इसका मतलब है नहीं बनाया। हाँ, तो जिसने नहीं बनाया है बनाना शुरू करिए। ओके, नाउ जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको यह भी बता दूं कि मसीह मंथन बैठक खास करके बॉम्बे के लिए, माफ करना मुंबई के लिए, क्योंकि मैं बाकी स्टेट से बात कर रहा था, मुंबई के लिए हमने क्या किया है आप लोगों के लिए, सेंट्रल और वेस्टर्न, अगर आपको दिख रहा होगा सेंट्रल और वेस्टर्न जो है दो चर्चेस उपलब्ध कराए हैं, और वो होता है एवरी संडे शाम को 7 बजे, जिसके लिए दो लीडर्स आपको दिए गए हैं। सेंट्रल के लिए आपको जो है कॉल करना है इस भाई को जिसका नाम है देवेंद्र सावन, और वेस्टर्न लाइन के लिए आपको कॉल करना है सुरेश राठौड़ को, जो कि अगर आप रहते हैं बैंड्रा या अंधेरी या मलाड या वसई या विरार या फिर अभी जहां पर हम हैं आसपास का जिस किसी भी इलाके में रहते हैं, डैनियल भाई हमको नहीं पता कैसे करना है, कौन सी ट्रेन पकड़ना है एक्स वाई जेड, आपको सुरेश राठौड़ को कॉल करना। वैसे ही सेंट्रल उस तरफ कुरला घाटकोपर चेंबूर या फिर आपका वीटी से बदलापुर और वेस्टर्न लाइन का चर्च गेट से विरार तक, आप इनको दोनों में से किसी को भी कॉल कर सकते हैं। डैनियल राज, मारिया राज जो कि मेरी वाइफ है, आप हम सभी मिलकर मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से खरी शिक्षा लिखा है साउंड डॉक्ट्रिन उनको जो है शिक्षित करते हैं। मैं कभी होता हूं कभी नहीं होता हूं, लेकिन जो बाकी लीडर्स हैं वो होते हैं और वो आपको वहां पर सिखाते हैं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आपको बताता चलूं कि बदलापुर इस एड्रेस के ऊपर एक चर्च स्टार्ट हो चुका है, जिसकी जो लीडर्स हैं वो है सिस्टर आरती पवार और दूसरा ब्रदर जोएल सालवी, इनको कॉल कर सकते हैं। और इनका जो टाइम है चर्च का वो है दोपहर को 3 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इस एड्रेस के ऊपर, और जिसकी कुछ फोटोस अगर आप यहाँ पे देख सको, जिसकी शुरुआत हो चुकी, ये फोटो थोड़ा पुराना है, मैं समझता हूँ कि अब लोग जुड़ चुके होंगे और लोग बढ़ रहे होंगे। मेरा मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, मेरा मकसद है भीड़ इकट्ठा करना। तो भीड़ और भेड़ में फर्क है। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि यूथ मीटिंग की भी हमने जो है योजना बनाई है जवानों के लिए। आप भारत से हैं और भारत के बाहर हैं, आपकी उम्र 13 से लेकर 30, अगर आप 30 के हैं लेकिन शादी नहीं हुई, 32 के भी हैं शादी नहीं, तो भी आप लोग इस यूथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं। एक सिस्टर है जिनका नाम है पौलुमी घोष, इनको कॉल करना है और ये आपको जो है यूथ मीटिंग में लीड करती हैं और आप लोग जुड़ सकते हैं। एवरी फ्राइडे होता है ऑन जूम, लिखा है कि ओनली ऑन जूम। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि ध्यान से सुने, जो लीडर्स यहां पे बैठे हैं आप लोग भी सुनिए, एक मीटिंग जूम पर हम करने जा रहे हैं और काफी लंबे अरसे के बाद, और वो जो तारीख है वह है 13 दिसंबर, यानी कि इसी महीने के, जो कि आ रहा है शुक्रवार को, और वो होगा वक्त रात 8 बजे, खास करके फ्रंट लीडर्स के साथ में। इसका मतलब है कि मसीह मंथन बैठक के जितने भी फ्रंट लीडर्स हैं उन लोगों के साथ में काफी अरसे के बाद में मैं एक मीटिंग करने जा रहा हूं। तो खास करके महाराष्ट्र के फ्रंट लीडर्स, गुजरात के फ्रंट लीडर्स, वेस्ट बंगाल के फ्रंट लीडर्स, मेरी मदद करिए बाकी स्टेट्स की, रांची झारखंड के फ्रंट लीडर्स, बिहार के फ्रंट लीडर्स, और साथ ही साथ ओडिशा के फ्रंट लीडर्स, माफ करना गोवा के फ्रंट लीडर्स, नॉर्थ ईस्ट के फ्रंट लीडर्स, और क्या बचा है जी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मदद करिए कर्नाटका और उस तरफ में 7 स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, वेरी गुड, इन सब जगह के, अगर कुछ और याद आता तो बता। हाँ, दिल्ली के जो लीडर अभी बनाए उनको, यानी कि उसका नाम क्या है, क्या नाम है, निरंजन, नहीं निरंजन नहीं, क्या नाम है, अरे बाप रे, तो ये सारे के सारे जो लीडर्स हैं, दूसरा और एक स्टेट है जो जुड़ चुका है और वो है चंडीगढ़,
वो भी आप लोग जो लीडर्स हैं आप लोग जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते नहीं, जुड़ना ही है। तो इस एड्रेस, माफ करना, इस डेट पे आपको जुड़ना है ठीक रात 8 बजे। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं, खास करके जो फ्रेंड लीडर्स हैं आपको आना ही है। उसके बाद मिशन 2025 जो कि हम करते हैं हर साल, बट अगले साल 2025 में हम नहीं कर रहे हैं। और उसकी वजह है कि जितने भी लीडर्स हैं, मसीह मंथन बैठक के पास्टर्स हैं या कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप जो भी हैं, आप सबको शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करना ही है, मैंडेटरी है, यानी कि कंपलसरी है। तो जिसके लिए मैं आपका वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग जुड़ें। और यहां जैसे लोग बैठे हैं, इसमें से भी कुछ लीडर्स पास्टर्स हैं जो ऑलरेडी अटेंड अभी कर रहे हैं। उसके बाद जो आप, मैं चाहता हूं फोकस करिएगा, उसके बाद मैं चाहता हूं कि भारत और भारत के बाहर आप जितने भी लोग हैं, आप सबके लिए और खास करके जो अपंग है आप लोगों के लिए भी अब एक योजना बनाएं। जो आ सकते हैं वो यहां आएंगे, यानी कि मुंबई, और जिस जगह पे आपको एड्रेस दिया जाएगा, पब्लिकली हम एड्रेस नहीं देते, उसकी कई वजह है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां आ सकते हैं तो आइएगा। तो एक बाइबल कॉलेज हम चलाते हैं जिसका हमने नाम दिया है D12, ये देख लीजिएगा, और जिसके चलते इसका नाम भी रखा है शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज। ये एक अनोखा बाइबल कॉलेज है जो आपके बीच में किया जा रहा है। इसकी रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो है 5,000 जो कि आप लोग जानते हैं कि ये 5,000 जो है, हम कहते हैं 7 दिन का, लेकिन वो हो जाता है 9 दिन। एक दिन आते हैं, दूसरा दिन रुक कर जाते हैं। तो जिसकी उसकी भी भोजन व्यवस्था आप लोगों के लिए उसी में की जाती है, साथ ही साथ आप लोगों को रहने का प्रबंध इसी जगह पे। आप लोग गवाही सुन चुके हैं और आज भी सुन चुकेंगे कि इनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है, जो कि गवाही आप लोग सुनेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों का जो है चारवक का खाना और 24 आवर्स टी कॉफी मशीन आप लोग के लिए यहाँ पे उपलब्ध है, और रहने की सुविधा, बेडशीट है, मैट्रेस है, पिल्लो है, वॉशरूम में जो भी जरूरत की चीजें होती है वो सब कुछ जो है रखा गया है। और बहुत ही बहुत देर से बोल दिया, जल्दी बोलना था जी, बिल्कुल ओके। नाउ डैनियल भाई, हम रहते हैं महाराष्ट्र में, तो सुमित को कॉल करें, पंजाब से पास्टर सुलेमान को कॉल करें, हिमाचल से पास्टर जगदीश को कॉल करें, हरियाणा से सुनीता को कॉल करें। उसके बाद में, अच्छा मैंने चेंज किया, उसके बाद में झारखंड तो राजकिशोर को कॉल करें, वेस्ट बंगाल पिंकी जी को कॉल करें, नॉर्थ ईस्ट सिस्टर राधिका को कॉल करें, क्या है मध्य प्रदेश सिस्टर विजेता को कॉल करें, यूपी से ब्रदर सतीश रावत को कॉल करें। ऐसे करके आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं। नाउ फॉर MMB दिल्ली, हाँ ये नाम रो नीरज, जो दिल्ली है ग्रुप है जिसका पहला लीडर था उसको निकाल दिया गया है। आप लोग जानते हैं वजह क्या है, जिसके चलते हमने जो है नीरज को अभी फिलहाल नॉट एज अ पास्टर, नॉट एज अ लीडर, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पे रखा है, उनको कॉल कर सकते हैं। तो दिल्ली चर्च, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए योजना बनाएं, और टोटल दिल्ली चर्च के जो भी ग्रुप्स हैं, लीडर्स हैं, खास करके मैं चाहता हूं कि आप यहां पर आएं और आप लोग सीखेंगे। उसके बाद में जो चंडीगढ़ है उनके लिए भी एक लीडर रखा है और उनका नाम है सुरेंद्र चौहान, हालांकि ये कोऑर्डिनेटर के रूप में चंडीगढ़ में काम करेंगे। उसके बाद में बिहार के लिए, आप बिहार से ये नंबर ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। तो बिहार के लिए हमने रखा है गुलाब मान जी, हाँ जो भी है मान जी, ओके, इनको रखा है। ये भी कोऑर्डिनेटर के रूप में है, काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इनको कॉल करें और ये आपको जो है मार्गदर्शन करेंगे। मत हिलाओ, बिहार के लिए, केयरफुल, बिहार के लिए। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जो भारत के बाहर रहते हैं खास करके वो, और जो भारत के अंदर रहते हैं, जो अपंग है, पैरालाइज्ड, नॉट पैरालाइज्ड बोलना चाहूंगा, जो चल नहीं सकते, हैंडीकैप है, आपका हेल्थ इश्यू है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और ऐसे कई वजह हैं, छोटे बच्चे हैं, माँ बाप बाहर नहीं निकल सकते, या सिंगल पेरेंट्स हैं, मतलब पति है तो पत्नी नहीं है, पत्नी है तो पति नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी हमने कुछ सोचा है। तो जिसके चलते हम आप लोगों को मार्च के महीने में, मैं काम कर देता हूं, डेट रख देता हूं, मार्च के महीने में 10 तारीख से 16 तारीख तक, बस एक मौका, वो भी
टोटल छह माफ करना 7 दिन का आपको जो है दिया जाएगा, जिसके लिए सिस्टर सिवान, ये उनका नंबर है, आप इनको कॉल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस यहां पे भी होगी, बंद रखिए, रजिस्ट्रेशन फीस यहां पे भी होगी और कितनी होगी ये सिस्टर आपको बताएंगी, जिनका नाम है सिवान। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जो भारत के बारे, अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी तक मेरे पास में 50 से 60 नाम ऑलरेडी आ चुके हैं जो चाहते हैं कि करना है, बट इसकी जो लिमिट है तकरीबन 90 तक है, 90 के आसपास डेलीगेट जो है वो जुड़ सकते हैं। तो भारत, भारत के बाहर, साथ ही साथ कुछ स्टेट्स को मैं रखूंगा, जैसे कि नेपाल, तो आपको सिस्टर समझना को कॉल करना है, पाकिस्तान के लिए ब्रदर विशाल को कॉल करना है, कनाडा के लिए सिस्टर एस्तर को कॉल करना है, यूएसए के लिए सिस्टर समीक्षा को कॉल करना है, लंदन के लिए राजेंद्र कौर को कॉल करना है, और न्यूजीलैंड के लिए नेथन शर्मा को आपको कॉल करना है, और बाकी स्टेट जो हैं उनके लिए आपको कॉल करना है फिर से सिस्टर सिवान को। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि जितने भी ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, मतलब जूम पर, खास करके भारत, जो अपंग है, पैरालाइज्ड, वापस पैरालाइज्ड शब्द क्यों आ रहा है, जो किसी तरीके से हैंडीकैप है या फिर हेल्थ इशू है, वो आ सकते हैं, और सिंगल पेरेंट्स बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकते, वो लोग भी जिनका हेल्थ इशू है वो लोग इसमें जुड़ सकते हैं। बट पाकिस्तान वालों के लिए हमने कुछ अलग विशेष कंसेशन दिया है, मतलब छूट दी है। ये क्या छूट है, खास करके ऑफकोर्स पैसे के क्षेत्र में, तो सिस्टर सिवान को कॉल करिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बाकी किसी कंट्री के लिए छूट नहीं है। आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस देना है वो आपको देना ही होगा, लेकिन पाकिस्तान वालों के लिए हमने कुछ क्या छूट की है, ये आपको सिस्टर सिवान आपको बताएंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग बात को समझ चुके हैं, और आप लोग ऑनलाइन जूम जो करना चाहते हैं सिस्टर सिवान को आप लोग कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ठीक है, हाँ, इस पोस्टर को रख के बता देता हूं, पहला बताता हूं फिर उसको समझा दूंगा। अगर भारत और भारत के बाहर जिस किसी को भी लगता है कि डैनियल भाई, बाइबल कॉलेज तो मैं करना चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन किसी वजह से देश और विदेश में आप रहते हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि किसी को मैं हेल्प करूं, किसी के पास पैसे नहीं होते, जैसे कल चर्चा कर रहे थे हम लोग, यहां कुछ लोग बैठे हैं जिनका, जिन्होंने मुझे कल कहा कि किसी के पास पैसा नहीं होता है, अगर आपको लगता है कि उनका फीस 5000 रुपीस, उनका फीस अमाउंट या पैसा आप दे सकते हैं, तो MMB ऑफिस में कॉल करें, और वहां पे कॉल करके उस व्यक्ति को के जो भी वाला ना फलाना होगा, हम उसकी मदद करना चाहते हैं, कैसे करें, कहां भेजें, ये सारा रिपोर्ट आपको जो है 777 नंबर पे, ऑफिस नंबर पे आपको बता दिया जाएगा। तो ये भी आप लोग जो है कर सकते हैं, इवन जो यहां पर बैठे हैं, अगर कल को आपके पास में 4 पैसे ज्यादा आते, अच्छा कैसा है टीचिंग, जी जी जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसी टीचिंग है, और मैं आपको और एक बता देता हूं इनके लिए भी, यहां से क्या बह रही है लगातार 7 दिन, कोई एक बोलो, कोई एक बोलो, जी बोलिए, क्या बह रहा है, किसका, हाँ तो यही तो बोलना है, समंदर कहां बह रहा है, यहां पे ज्ञान का समंदर, ऐसा बोलना था, अब ये लोग बोलेंगे, ठीक है ना, आप सोच नहीं सकते कि यहां क्या हो रहा है, ओके। अच्छा, यहां मैं कुछ लोगों से पूछूंगा, जिसके चलते ओके, अभी मुझे नहीं पता इसका जो सेकंड नंबर है, अभी आपने फर्स्ट लाल कम किया था ना, इसका सेकंड लाल कम करो, सेकंड चेक थोड़ा सा कम करिए, चेक थोड़ा बढ़ाइए और बढ़ाइए, चेक बस, ओके। सीएच बारा जी बैठिए आप, अरे बैठिए मैंने बोला, ओके, सबको बताइए आपने यहां पे क्या सीखा, मतलब क्या यहां जो कह रहे हैं कि यहां पर मैं जो पूछ रहा हूं बस उतना ही बोलना, बाकी मैं और बाकी मौका दूंगा, क्या यहां सचमुच में कौन सा समंदर, तो सिर्फ समंदर नहीं बोलना है, कौन सा समंदर, ज्ञान का समंदर, ज्ञान का समंदर, समंदर समंदर, ये नहीं होता समुंदर, ओके, तो ज्ञान का समंदर, सबको बताइए क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, माइक को ऐसे रखो,
यस माइक को ऐसे रखो, ऐसे रखो। ओके ओके जी, यहाँ पर जो सात दिन का जो हम लोग ने ट्रेनिंग लिया शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जी, ये बहुत ही अनोखा और अद्भुत तरीके से टीचिंग जी, आप सोच नहीं सकते हैं कि जो आप ज्ञान लेंगे यहाँ का बाइबल का, जो आप समझ से बाहर होगा। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ बहुत ही आसान है, चलो हम आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे समझ से तो बहुत ऊपर की बात है। आज जो हमने सीखा है वो सच में सात दिन क्या, ये तो दो साल में भी नहीं सीख सकते, चार साल में भी नहीं सीख सकते। ऐसी भंडार उन्होंने खोल के दी है जी, तो इसका मतलब सात दिन में आपने बहुत कुछ सीखा, राइट? ये बात सही है। ओके, आपकी जो अपेक्षा थी, आप जो सोच के आए थे कि मैं जाऊंगा, क्योंकि आप मेरे को कम से कम चार तीन चार साल से तो सुन ही रहे, आपकी जो अपेक्षा थी, आप जब निकले थे रांची झारखंड से, आपको बताता चलो कि सी एच बारा जी बात कर रहे हैं और ये जो है मसीह बंधन मेटा की तरफ से रांची झारखंड के कोऑर्डिनेटर है, तो मुझे प्लीज बताइए आपकी जो अपेक्षा थी, आप जो सोच के आए थे वो उसे कम मिला या ज्यादा? वो समस्या मेरे बाहर मतलब ऊपर है जी, मतलब ऐसी गहराई और ऐसे जो ज्ञान की जो भंडार बाइबल से जी, जो समस्या मैं क्या कहूँ इसको जी जी, तो आपकी अपेक्षा से बढ़कर मिला, अपेक्षा से बढ़कर बिल्कुल, बस मुझे ये चाहिए, थैंक यू, से बाहर है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब आपकी थाली बिल्कुल टाइमिंग पे आई है, जब वो बजाए बाकी लोग बजाए, बाकी लोग कहाँ थे? ओके नाउ पर्पस हमारा यही है जो कि मैं बता रहा था, द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज इज टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह को एजुकेट करना। यहां पर टोटल सात दिन एजुकेट किया जा रहा है, यहां जितने लोग बैठे हैं इन सबको एजुकेट किया जा रहा है, जिसके चलते हम सिखा रहे हैं द ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी। तो सबसे पहला है बिब्लियोलॉजी, दूसरा है थियोलॉजी, तीसरा है क्रिस्टोलॉजी, निमेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हर्मिटियोलॉजी, सोटियोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एंजलॉलॉजी, डेमोनोलॉजी, एस्केटोलॉजी। ऐसे करके जो ये पॉइंट्स है यहां पर सिखाए जाते हैं, जो मैं समझता हूं बाकी जो चर्चेस हैं या बाकी जो बाइबल कॉलेज है, माफ करना, दो साल तीन साल जैसे आपने कहा, तकरीबन पांच साल, अच्छा इन सब सालों या बाइबल कॉलेज के हम खिलाफ नहीं है, मैं उनको नीचे नहीं गिरा रहा, बट मैं डंकी की चोट पे बोल सकता हूं कि यहां पे जो आप सीखोगे तो आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा। डैनियल भाई आप बूस्ट कर रहे हैं खुद की, आप खुद की बढ़ाई कर रहे हैं सात दिन के बाइबल कॉलेज के, अगर ऐसा है और ये सच है तो मैं और करूंगा। एक सेकंड, मैं वापस कह देता हूं, शायद कोई नहीं समझा होगा कि आप बूस्ट कर रहे हैं अपनी बात की, बढ़ाई कर रहे हैं सात दिन के बाइबल कॉलेज की, और अगर ऐसा करने से, और जो मैं सात दिन का बाइबल कॉलेज चला रहा हूं, अगर उससे सच में आपका फायदा हो रहा है तो मैं करूंगा। जी 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 जी, यर्मिया की किताब उसका 9:23 नहीं पढ़ना, वहां लिखा है कि ताकत वाले को कहा है कि घमंड ना करे, अक्ल वाले को कहा है कि घमंड ना करे, पैसे वाले को कहा है कि घमंड ना करे। इसका मतलब वो लोग करते थे, जिसके पास पैसा था करता था लेकिन उसको मना किया, जिसके पास अक्ल थी वो करता था बट उसको मना किया, बुद्धि वाले भी करता था बट उसको मना किया। बट किसको मना नहीं किया जानते हो? जिसको मना नहीं किया वो शख्स है जिसके पास में परमेश्वर और परमेश्वर की समझ है, उसको कहता है कि भर भर के घमंड कर। जी जी जी, बस बस बस। ओके डैनियल भाई, आप अगर ऐसी बात करके घमंड कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल कर रहा हूं, और मैं ऐसा 50 बार और करूंगा। तो जिसके चलते मैं समझता हूं ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं उसके बाहर जो कि उससे रिलेटेड हैं, किससे? इनसे रिलेटेड हैं, और वो है सबसे पहला हम सिखा चुके हैं आप लोगों को कि बाइबल, और कितनी अद्भुत तरीके से सिखाए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि दानियल से जोड़कर, ओल्ड टेस्टमेंट के ज्यूइश से जोड़कर, अन्य जातियों से जोड़कर, और वो जो पेड़ है जिससे एक डाली कट चुकी है और दूसरी डाली को छोड़ा गया, और उसकी जड़ की चिकनाई से ये सब आप सीख चुके कि वो कौन है जो जुड़ चुका है और कौन है जो कट चुका है, और ऐसा क्या चीज है उसकी वजह कौन सी, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट अलग होने की वजह आपको बाइबल से पता चलिए। अच्छा, कुछ लोग हैं जो बाइबल के ऊपर बहुत अच्छा सिखाते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, बट उसके बावजूद कहना चाहता हूं अगर आप यहां बैठ के सीखोगे, खास करके बाइबल के ऊपर, मात्र बाइबल के ऊपर, क्या उड़ जाएंगे, ओ
जीसस यीशु अद्भुत तरीके से चर्च, अद्भुत तरीके से ट्रिनिटी, अद्भुत तरीके से क्रिएशन, अद्भुत तरीके से टैबरनेकल, उसके बाद में हेडिस। यहां टोटल तीन डिपार्टमेंट्स है। एक है पैराडाइज जो कि अब नीचे नहीं है बल्कि वो ऊपर जा चुका है। उसके बाद में है टॉर्मेंट जो कि अभी भी नीचे, उसके बाद में है टाटरस और वहां पर मनुष्य नहीं जाते, वहां पे फॉलन एंजल्स और जिन्होंने गलतियां की है स्वर्गदूत वह वहां पर है और इन सब के बारे में। उसके बाद में रैप्चर, यहूदी विवाह के साथ छोड़कर के रैप्चर मध्य में नहीं होगा, रैप्चर आखिर में नहीं होगा, लेकिन रैप्चर होगा पहले, जिसको कहते हैं प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। और मैं आपको बता दूं जितने भी प्रचारक हैं, मैं किसी का नाम फिलहाल यहां पे नहीं लूंगा, लेकिन जो मेरा नाम लेते हैं या मेरी फोटो का सहारा लेते हैं मैं उनका पोस्टमार्टम यहां पे जरूर करता हूं। अगर इस भारत का और भारत के बाहर जहां कहीं पे भी मेरी हिंदी भाषा समझी जाती है उन सबको बता दूं कि रैप्चर को लेके 90% पास्टरों ने, बाइबल टीचरों ने गंद मचा रखी है, यानी कि गड़बड़ की है। और उस गड़बड़ में सबसे बड़ा गड़बड़ यह है और ऐसी मूर्खता, बाइबल को पढ़ने के बाद ये 90 प्रचारकों ने ऐसी मूर्खता की है जिसको मैं सुनकर देखकर ताजुब होता। और वो एक मूर्खता यह है जो कहते हैं कि कलीसिया सामना करेगी 666 का, जो कि आपने सीखा कि कलीसिया मसीह की दह, एंटी क्राइस्ट और उसके छाप यानी कि 666 का सामना जोर से नहीं करेगी। ये आप लोग सीख चुके हैं और वो भी बाइबल से एकदम बारीकी से सीख चुके हैं। तो फिर से बता दूं कि मसीह की दह कलीसिया यीशु की लहू से, यीशु के लहू से खरीदी हुई कलीसिया, एंटी क्राइस्ट का छाप 666666 या उसका चिप, जो कि आजकल बहुत लोग बकवास कर रहे हैं कि चिप निकल चुका है, चिप आ चुका है, माथे पे चढ़ चुका है और साथ ही साथ हाथ पे लगाया जा चुका है, ऐसे किसी भी बकवास को आपको नहीं सुनना है। डैनियल भाई तो फिर ये चिप क्या है? मैं मानता हूं जैसे पढ़ना नहीं सिर्फ सुन लो, जैसे पहला योहन्ना दूसरा अध्याय वचन 18-19-20 में योहन्ना कहता है कि एक मसीह विरोधी आने वाला है जिसको कहते हैं कि द एंटी क्राइस्ट आने वाला है, लेकिन वो पहले कहता है ऐसे बहुत से मसीह विरोधी आज भी हैं। अगर उस वक्त कह सकता था 2025 साल या 24 साल पहले कि वो आ चुका है, लेकिन थी एंटीक्राइस्ट अभी तक नहीं आया, जिसको कहते हैं फाइनल वाला। बट क्या उस वक्त में एंटीक्राइस्ट थे? क्या आज भी एंटीक्राइस्ट? क्या कहा किसी ने? क्या कहा? छुटुर पुटुर एंटीक्राइस्ट आज भी है। वैसे ही अफवाहें यानी कि रूमर्स, वैसे ही चिप की चर्चाएं, चिप की बातें होती रहेंगी जैसे तब हो रही थी। आज तो चिप आ गया लेकिन तब चिप नहीं था, लेकिन जॉन कहता है तब भी जिसको कहते हैं कि आ एंटीक्राइस्ट, नॉट दी एंटीक्राइस्ट, इसको कहते हैं आ एंटीक्राइस्ट, तब भी थे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन मसीह की दह यीशु के कलीसिया नहीं जाएगी। किसमें? महाक्लेश में। अगर सीखना है कैसे, यहां आइए। और जिसको भी रैप्चर के ऊपर, खास करके प्री रैप्चर के ऊपर अगर किसी को भी बहस करनी है, डिबेट करनी है, यहां आइए। अपने मर्जी से आओ, अपने टिकट करके आओ, प्लेन से आओ, ट्रेन से आओ, उड़ के आओ, चल के आओ, तैर के आओ, मुझे नहीं पता, लेकिन यहां जब पहुंचोगे मैं तुमको खाना खिलाऊंगा। जी यहां आइए और मैं आपके साथ बैठकर और इसको हम टोटल लाइव कर देंगे और देखते हैं कि किसमें कितना है दम, फिर खत्म करेंगे तुम्हारा गम। ओके इसको कहते हैं फिर रैप्चर, फिर उसके बाद में डे ऑफ द लॉर्ड, और ये आपका व्हाइट थ्रोन है, जजमेंट है, फिर उसके बाद में मिलेनियम है, 1000 साल का राज्य, चौथा मंदिर जो कि हेसिकल की किताब उसका 40 का लेकर 48 तक में, क्या अद्भुत मंदिर, क्या अद्भुत दृश्य, और कौन सा राजमार्ग है यानी कि हाईवे, नाम क्या था उसका, या द हाईवे ऑफ होलीनेस, उसकी चर्चा यहां की गई है, गॉड वर्सेस वर्ल्ड। और यह जी हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या होता है, बाकी तो चल ही रहा है मेरा, देखते हैं क्या होता है। ओके तो जिसके चलते मैं समझता हूं जी, यहां फेसबुक चल रहा है फिलहाल, बाकी रिकॉर्ड हो रहा है, अगर कोई दिक्कत आती तो फिर मैं छड़ा दूंगा।
गॉड वर्सेस वर्ल्ड, मैं आपको बता चुका हूं कि परमेश्वर कितनी नफरत करता है संसारी चीजों से, और जिसमें संसार है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ये भी आपको सिखा चुके हैं, कैरेक्टर चरित्र कितना जरूरी है। आपका टैलेंट्स और आपका गिफ्ट्स आपको ऊंचाई पर पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आपका चरित्र ठीक नहीं है एक झटके में नीचे गिरा सकता है। और ऐसे कितने एग्जांपल्स दिए कि कई कई सेवक हैं जो एक टाइम पे टॉप पे थे लेकिन बाद में वो ढाए करके नीचे गिर गए। और लास्ट टॉपिक है मीडिया, वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, और कितना जरूरी है कि आप लोगों का सोशल प्लेटफॉर्म पे आना, जैसे मैं इस वक्त में अभी यहां पर लाइव हूं। तो वापस से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, आप लोग सीख सकते हैं, यहां पर आकर सीख सकते हैं, और अपने अपने क्षेत्र में अगर कोई पूछता है कि तुमने कहां से अपनी बाइबल कॉलेज की, ये टोटल रजिस्टर्ड है भारत सरकार के दायरे में, और जो कि हमारा जो मिनिस्ट्री है वो पैन इंडिया है, पैन इंडिया समझते हैं पूरे भारत में है।